छत्तीसगढ़ के कोरिया के ग्राम पंचायत पेंड्री में नाबालिग द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी सैकड़ों ग्रामीणों के साथ थाने पहुंची हैं। बता दें कि कुछ दिन पूर्व पेंड्री ग्राम में नाबालिग का शव पेड़ पर लटका मिला था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहीं परिजनों ने हत्या और प्रताड़ित करने का अंदेशा जताते हुए कोई कार्रवाई नहीं होने के आरोप लगाए हैं। बताते चले कि ग्रामीणों के साथ पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले मनेंद्रगढ़ थाने पहुंची और पुलिस अधिकारियों से मामले की उचित जांच करने की बात कही। वहीं पुलिस द्वारा कहा गया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहुंचे हैं, क्या मामला है और किस तरह की कार्रवाई के लिए यहाँ पहुंचे? देखिए, एक पेंड्री ग्राम का है, 4 दिन पहले की ये घटना है। एक लड़का हमारी क्लास का था, वो फांसी पे लड़का मिला हुआ था ग्रामवासियों को, तो उनके जो ग्राम के हैं उनको कहीं ना कहीं संदेह लग रहा है कि ये लड़का को कहीं किसी से के द्वारा मारपीट करके लटकाया गया है या कैसे, तो उस साक्ष्य के लिए यहाँ थाने पर आए हैं। 4 दिन हो गया है। टीआई साहब से मैं भी बात करी हूँ। टीआई साहब का कहना है कि जैसे रिपोर्ट आ जाती है, पीएम रिपोर्ट आ जाती है, उस आधार पे आगे हम कार्रवाई जांच प्रक्रिया बढ़ाएंगे। मैडम, हत्या को लेकर के और भी कई बातें सामने आ रही है, ग्रामीणों का कुछ आरोप है कि कोई बड़े पार्टी के कोई पदाधिकारी या फिर किसी नेता का जो हाथ है उनके सर पे होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है? नहीं, अभी तो फिलहाल हम कहते हैं कि पीएम रिपोर्ट जब तक आ जाती है, पीएम रिपोर्ट से ही साक्ष्य पता चल जाएगी कि ये हत्या हुई कैसी। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।